दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल आरडीएस क्रिकेट में। दोस्तों क्रिकेट में प्लेयर्स के पास काफी पैसा होता है क्योंकि क्रिकेट खिलाड़ी अपनी बोर्ड की ओर से सालाना आमदन पर भी क्रिकेट खेलते हैं और पर मैच की फीस भी लेते हैं। वही क्रिकेट खिलाड़ी दुनिया भर में क्रिकेट लीग्स खेलने के लिए जाते हैं जहाँ उनको अच्छी खासी रकम में खरीदा जाता है। हालांकि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कोई और क्रिकेट लीग नहीं खेलते, लेकिन आईपीएल में भी भारतीय खिलाड़ियों को इतनी रकम मिल जाती है कि चाहे वो कोई और क्रिकेट खेले या ना खेले उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह क्रिकेट में भी कई अंपायर्स ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे अंपायर से कम सैलरी होने के बावजूद भी आईपीएल के बदौलत उससे ज्यादा पैसे कमाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बताया जाएगा क्रिकेट के 10 सबसे अमीर अंपायर्स के बारे में जो एक साल में बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि क्रिकेट की ऐसी और वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इंग्लैंड के रिचर्ड कैडबर्ग इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं। अगर उनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फी पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फी पर मैच की बात करें तो 1,50,000 रुपए है। टी20 के एक मैच के वह 70,000 रुपए लेते हैं। अब इस लिस्ट में 9वें नंबर पर इयान गुल्ड हैं। इनकी सालाना आमदन 25 लाख रुपए है। टेस्ट फी पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए। ओडीआई फी पर मैच की बात करें वह 1,50,000 रुपए। टी20 फी पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए हैं। आईपीएल मैच फी पर मैच की बात करें तो वह 1,75,000 रुपए हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में एक मैच में अंपायरिंग भी की है जिसके चलते उनका आईपीएल का टोटल बजट 1,75,000 रुपए बना है। ऑस्ट्रेलिया मूल के पॉल रिफल की सालाना आमदन की बात करें तो वह 31,21,000 रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फी पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फी पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल में वह एक मैच की फीस 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने 11 आईपीएल मैचों में अंपायरिंग की हुई है जिसके चलते उनका टोटल बजट 19,25,000 रुपए बना है। इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ इस लिस्ट में 7वें नंबर पर हैं। उनकी अगर सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात की जाए तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फी पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल के एक मैच का वह 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में 20 मैचों में अंपायरिंग की हुई है जिसके चलते आईपीएल का उनका टोटल बजट 35 लाख रुपए बनता है। इंग्लैंड के नाइजल लॉन्ग इस लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। अगर उनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 31,21,000 रुपए है। टेस्ट फी पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फी पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल के प्रति एक मैच के वह भी 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में 37 मैचों में अंपायरिंग की है जिसके चलते उनके आईपीएल का टोटल बजट 64,75,000 रुपए बनता है। इस लिस्ट में पाकिस्तान के अलीम दार 5वें नंबर पर हैं। अगर उनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 31,21,000 रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। आईपीएल मैच के वह 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में कुल 38 मैचों में अंपायरिंग की है जिसके चलते उनका आईपीएल का टोटल बजट 66,50,000 रुपए बनता है। ऑस्ट्रेलिया मूल के रोड टकर इस लिस्ट में 4थे नंबर पर हैं। अगर इनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फीस पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल के प्रति मैच का वह भी 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में कुल 46 मैचों में अंपायरिंग की है जिसके चलते उनके आईपीएल का टोटल बजट 80,50,000 रुपए बनता है। ऑस्ट्रेलिया मूल के ब्रूस एक्सनफोर्ड इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। अगर इनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फीस पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल मैच में वह 1,75,000 रुपए लेते हैं।
ऐसे में उन्होंने 48 मैचों में अंपायरिंग की हुई है, जिसके चलते उनके आईपीएल का टोटल बजट 84 लाख रुपए बनता है। साउथ अफ्रीका के मारेस रेसमस इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फीस पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल के एक मैच का वह भी 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने आईपीएल में कुल 66 मैचों में अंपायरिंग की है, जिसके चलते उनका टोटल बजट 1,15,50,000 रुपए बनता है। श्रीलंकाई मूल के कुमार धर्मसेना इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। कुमार धर्मसेना सबसे अमीर अंपायरों में से पहले नंबर पर हैं। उनकी सालाना आमदन की बात करें तो वह 25 लाख रुपए है। टेस्ट फीस पर मैच की बात करें तो वह 2 लाख रुपए है। ओडीआई फीस पर मैच की बात करें तो वह 1,50,000 रुपए है। टी20 फीस पर मैच की बात करें तो वह 70,000 रुपए है। आईपीएल मैच का वह भी 1,75,000 रुपए लेते हैं। ऐसे में उन्होंने 94 मैचों में आईपीएल में अंपायरिंग की हुई है, जिसके चलते उनका आईपीएल का टोटल बजट 1,64,50,000 रुपए बनता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं, और हम दोस्तों आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे।